झाबुआ विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना पूरा दम लगा रखा है। वहीं कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी चुनाव प्रचार के दौरान अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। वे कभी बुलेट पर सवार हुए तो कहीं बैलगाड़ी चलाते दिखे, तो वहीं किसी जगह उन्होंने हल थाम लिया। आप भी देखिए मंत्री जीतू पटवारी का ये अलग अंदाज। कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी को अभी तक आपने साइकिल चलाते, क्रिकेट खेलते और विपक्ष पर हमला बोलते देखा होगा, लेकिन मंत्री जीतू का अब नया अंदाज भी देख लीजिए। जी हाँ, ये कैबिनेट मिनिस्टर जीतू पटवारी ही है जो झाबुआ के खेतों में कभी फसल की बोनी कर रहे हैं तो कभी बैलगाड़ी हांक रहे हैं। इतना ही नहीं, सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले जीतू ने खेतों से परिंदे भगाने वाले गोफन में भी हाथ आजमाया और आदिवासी स्टाइल में पत्थर चलाए। दरअसल झाबुआ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। इस सीट को जीतने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है, तो कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी झाबुआ विधानसभा के पिटोल कुंदनपुर सेक्टर के गांव में खाटला बैठक ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में तूफानी जनसंपर्क किया। इस दौरान वे अलग अंदाज में दिखे। इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के नेता जनता के बीच वोट मांगने अलग अलग अंदाज में पहुंच रहे हैं। झाबुआ उपचुनाव के लिए मतदान 21 अक्टूबर को होना है और चुनाव प्रचार खत्म होने में 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के दौरान जीतू पटवारी कभी बुलेट पर सवार हुए तो कहीं बैलगाड़ी चलाते नजर आए, तो किसी जगह हल थाम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, झाबुआ।